तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा मुद्दा है मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार या ठग ऑफ बिहार, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो है, क्योंकि ब्लॉग अभी नहीं बन पा रहा है, कुछ मुद्दे अभी बहुत सनसनीखेज फैल रहे हैं जिसको हम अपने लफ्ज़ों में बयां जरूर करना चाहेंगे। हो सकता है किसी भाई को बुरा लगे, उसके लिए उनसे तहे दिल से माफ़ी है कि वो दिल पे ना लें और दिमाग से ज़रूर लें कि आज का जो वक्त है, जैसे कि मनीष कश्यप इस बिहार में अभी अच्छे खासे पॉपुलर यूट्यूबर हैं, अच्छे खासी उनकी वीडियो व्यूज़ में जाती है, बहुत सारे लोग उनको प्यार देते हैं, लेकिन क्या प्यार के बदले में वो प्यार करते हैं बिहार वालों से? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज तक उनका सोच और समझ देखा जाए तो वो इस मुद्दे पे ज़्यादा ध्यान देते, चाहे हिंदू मुसलमान हो, जहाँ कोई ऐसा काम हुआ वो जहाँ हिंदू मुसलमान का एंगल मिल सके वो वहाँ पर जाके ज़रूर अपना बयान रखते हैं, जो कि बिहार के लिए तो कभी भला नहीं हो सकता है, ना ही देश के लिए भला हो सकता है, क्योंकि ये देश किसी एक का नहीं है और ना ही ये देश किसी एक से बाहर हो आगे बढ़ सकता है, अगर चाहे भी तो ना बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता तो सऊदी वाले लोग हिंदुस्तान से लोग नहीं मंगाते, बांग्लादेश से लोग नहीं मंगाते, वो अपने से काम करके अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जब उनके पास रुपया है तो अपने से क्यों नहीं कर सकते? वो बहुत सारा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए इंसान चाहिए, लोग चाहिए, तो वो हमारे यहाँ से लोग ले जाते हैं, नाम लेते हैं कि हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग अच्छे होते हैं। तो आज हम अपने राज्य को, अपने देश को क्यों बदनाम कर रहे हैं इन सब विषयों पर, हिंदू मुसलमान ये वो, जबकि हमारा मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो हमारा ये होना चाहिए और ये है, बहुत सब चीज़ों पे हम बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को घेर सकते हैं, वो घेरने का मौका आपको है, लेकिन आप शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हो सकता है उस पर व्यूज़ कम आए आपको, आपको लोग उतना प्यार ना करें। तो सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन का होता, आज हमारा बिहार क्यों पीछे है, क्यों हम बाहर में जाके दूसरे के पास काम करते हैं? इसमें तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग बीए किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, एमए किए हुए, पीएचडी किए हुए लोगों के यहाँ काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? इसलिए काम करते हैं कि उनको एजुकेशन तो मिला है, लेकिन राइट एजुकेशन नहीं मिल सका है उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास मजबूरियाँ थी, बहुत सारी मजबूरियाँ थी। क्या इस बेस पे बिहार सरकार हमको मदद नहीं कर सकती है? कुछ योजना जिन्होंने जैसे उन्होंने चलाई भी है, लेकिन क्या उस योजनाओं से काम हो जाता है हमारा? आज हमारा पूरा सरकारी सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम है, वो बर्बाद पड़ा हुआ है। आज सरकारी एजुकेशन सिस्टम पे आप किसी भी स्कूल को उठा लो, हमको लगता है कि 100 में से 50% कम से कम स्कूल ऐसे हैं जिसको बच्चे को पढ़ना सही से नहीं आता है। अपने यहाँ भी हम आपको उसके बारे में बता सकते हैं, रिसर्च करके दिखा सकते हैं कि कितने बच्चों को सरकारी स्कूल की वजह से उसको पढ़ना आता है। सभी गार्जियन पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता है। 8-8 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं और उनको पढ़ना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपने टीचर को कई और कामों पे लगा रखा है, किसी को सरकारी ड्यूटी दे देते हैं, कभी किसी का वहाँ पर क्या कहते हैं उनको बीओलो का काम करना है, उनको कहीं जा कर के सर्वे का काम करना है, कहीं जा कर के उसको इलेक्शन का ड्यूटी करना है, क्या है? स्कूल के टीचरों को आप बिहार का भविष्य को और देश के भविष्य को क्या समझ के रखे हैं? मजाक, इस मजाक को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है बिहार का, वो सच में बिहार का है या बिहार को ठग रहा है वो? क्या इस मुद्दे पे उसको बात करने की ज़रूरत नहीं है? क्या नहीं दिखता है उसको कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम का, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का कैसा बड़ा घर कर क्या हुआ रखा हुआ, जिसके वजह से आज हमारे बिहार के लोग बाहर में जाके काम करते हैं और हम सिर्फ यहाँ पर नौकर तैयार करते हैं, ना कि मालिक तैयार करते हैं। उनको कहीं हम सलाह नहीं देते हैं, कहीं उसको नहीं बोलते हुए सुनते हैं कि आप अपना रोज़गार करना, आप अपना कुछ छोटा मोटा ही करना, और ना ही सरकार उसको उतना तरफ से हेल्प कर सकती है। जिसका मैं जीता जाता उदाहरण, तो मैं उदाहरण में खुद दे सकता हूँ कि मैं खुद 5 लाख रुपये का लोन भरा हुआ था। बिहार सरकार का एक योजना है अल्पसंख्यक कल्याण रोजगार ऋण योजना, उसके तहत मैंने भरा। उसमें साल दौड़ने के बाद, उसमें तो पहले आपका इतना टेढ़ा आपका मांग है कि अगर आपका लिस्ट में नाम भी आ गया, मेरा 3.25 लाख रुपया पास हुआ था, जिसमें
एक उसमें नियम है कि आपको सरकारी किसी सर्विस वाले को उसका गारंटर बनाना पड़ेगा आपको। अब कोई सरकारी चाहे आपका भाई क्यों ना, वो नहीं बनेगा आपका गारंटर। क्यों बनेगा, क्यों रिस्क लेगा आपके लिए? बिजनेस तो आप कर रहे हो ना, बिजनेस का माना होता है रिस्क। रिस्क में अगर सरकार हमें साथ नहीं देगी तो कोई सरकारी सर्विस वाला हमें साथ क्यों देगा? आप हमको चिंते ही नहीं हो, आप मेरे पिता हो, हमको चिंते नहीं हो, तो हमको कौन चिनेगा? भाई किसका हुआ है? तो नहीं होता है, नहीं हुआ। 1 लाख रुपये का पास भी हुआ, एक्सेप्ट भी किया कि चलिए 1 लाख रुपये का करा लीजिए, उसको भी भरने से 2 महीना हो गया, आज तक वो पैसा नहीं मिला है। ये हालत है बिहार का, ये हालत है बिहार के सरकार का, और ये हालत है इस देश के अलग अलग कामों का। तो क्या बिहार आगे बढ़ेगा? क्यों नहीं हम दूसरे के यहाँ जाके काम करेंगे? मजबूर किया जाएगा हमें कि तुम काम करो किसी और के जगह जाकर। जब हमें फंड अलाउड किया जाता है तो हमें वो दिया क्यों नहीं जाता है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें? और हिंदू मुसलमान के एंगल से बेहतर एंगल है कि हम काम के एंगल पर बात करें। जब हम दिमाग के एंगल पर किसी को वोट देंगे, ऑटोमेटिक जो काबिल इंसान होगा उसको वोट मिलेगा, तो ये देश आगे बढ़ेगा, ये राज्य आगे बढ़ेगा। ये मुद्दा हमारा मुद्दा नहीं है। इसी के साथ हम अपने बातों को विराम करते हैं। जय हिंद। अगर किसी भाई को बुरा लगा उसके लिए माफ़ी मांगते हैं हम।